आज हम सूरत शहर के कामरेज विस्तार में खड़े हैं। कामरेज विस्तार में रामाभाई भरवाड़ की ऑफिस के अंदर। रामाभाई भरवाड़ का परिचय दे दे तो, फिल्म लाइन में और हिंदी सीरियलों में इन्होंने काम किया है, क्राइम पेट्रोल है और काफ़ी सारी फिल्मों में भी काम किया है और लोक साहित्यकार भी है। नारायण साईं जी के साथ वो 42 दिन उनके साथ जेल के अंदर लेके आए हैं। रामाभाई 42 दिन हमने सुना आप अंदर रह के आए हो। ओ तो सूरत सेशन कोर्ट ने नारायण साईं जी को 26 अप्रैल को दोषी जाहिर कर दिया, तो क्या कहोगे उसके बारे में? 26 अप्रैल को जैसे नारायण साईं को दोषी जाहिर किया, हमें जानना मिला तो हमें बहुत दुख सा महसूस हुआ। लेकिन जब एक सच्चे इंसान पर जब कोई गलत मुकदमा चलता हो, दोस्तों मैं तो इतना पहले एक कहना चाहता हूं कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि नारायण साईं के साथ मैं 42 दिन रहा। पता आज मैं उस संत के साथ रहा हूं, उसके साथ बैठ के खाना खाया हूं, उसके बहुत सारी बातें मैंने सुनी है। लेकिन मैं दिल से इतना कहता हूं, मैंने जिससे जानना मिला ऐसा कि साईं एक सच्चे इंसान है, एक सच्चे संत है। साईं को किसी भी राजकारण के हिसाब से किसी भी कावे दावे में फंसाया गया है और जो साईं के साथ मैंने अपने वो दिन महसूस किए हैं, मेरा साथ बहुत लोग ऐसे बैठे खड़े थे, बहुत लोग को साईं ने मदद रूप बने हैं अंदर। मैं तो पहले जेल के अंदर साईं ने एक एक साईं को मच्छर काटते थे, उसके हिसाब से साईं ने जेल अधीक्षक को एक अर्जी किया कि भाई जेल के अंदर मच्छर है और लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ करो। तो जेल अधीक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया। किया जेल को अधीक्षक, जेल मंत्री को बताया कि अगर आप सरकार कुछ खर्चा नहीं कर तो मेरी संस्था खर्चा करे, इसमें मच्छर जाली फिट हो। तो साईं ने सोचा कि मेरे एक के लिए नहीं, जेल के अंदर 2500 से 3000 कैदी जो है उनके लिए भी होना चाहिए। तो साईं ने पूरी जेल के अंदर मच्छर जाली फिट करवाई। मित्रों मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज मैं साईं के बारे में मुझे 2 शब्द मिलने के बोलने का मौका मिला है। वहां का लाजपुर जेल के अंदर जो पानी आता है पीने का, आप नहीं मानोगे, नल के अंदर भी 4 जम जाता है वो पानी में। आप बाल्टी में गिलास में पानी भर के रखोगे तो पानी भी एकदम नीला जैसा हो जाता है। तो वो पानी पीने से आदमी की शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो साईं ने सोचा कि ऐसा दूषित पानी पीने से एक कैदियों को, हर किसी को बीमारी हो रही है, कोई इधर पड़ा है, कोई वो है, किसी का ये प्रॉब्लम है। तो फिल्टर प्लांट से जो पानी बाहर से आता था उसका एक बोतल का 20 रुपया लिया जाता था। तो जैसे कैदी पुराने जो है उसको 600 रुपया मनी ऑर्डर आता था। अभी 600 रुपये में मनी ऑर्डर को आदमी पीने का पानी लेगा या अंदर से कैंटीन से दूध या छाछ लेगा? तो साई ने सोचा कि इसके लिए भी मैं कुछ करना पड़ेगा। तो साई ने अपनी संस्था से, जेल अधीक्षक से बात कर अंदर फिल्टर पालन का प्लान रखवाया। आज हर एक कैदी साई का वो फिल्टर प्लान का पानी पी रहा है, अच्छी तरह जी रहा है, सबको पूरा पेट पूरा पानी मिल रहा है, फिल्टर प्लान का शुद्ध पानी मिल रहा है। दूसरी बात मित्र, वहाँ जेल का खाना, आप, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको कभी जेल में जाना ना पड़े, लेकिन जेल का जो खाना है आप नहीं सोचोगे, रोटी 10-15 मिनट रोटी पड़ी रहेगी तो रोटी को आप तोड़ भी नहीं सकोगे, इतनी पत्थर जैसी हो जाती है। चावल आता है वो चावल दाल जो पानी आता है, और ज़्यादातर से वहाँ से जेल में भिंडी की सब्जी आती है जो शैम्पू जैसी आती है, जो अपने शरीर में नहीं पचती। लेकिन उस खाने के बारे में साईं ने अंदर जेल के अधीक्षक से बोलकर बहुत सारा विरोध किया। साईं जेल के अधीक्षक के पास सब खराब नज़र से सब अधीक्षक देखने लगे। साईं को एक बार खटला किया, खटला मतलब उसको हाई सिक्योरिटी में डाल दिया जाता है। हाई सिक्योरिटी मतलब जेल के अंदर एक दूसरा जेल होता है जहाँ क्रिमिनल, बड़े क्रिमिनल को रखा जाता है, और उसके अंदर ना लाइट होती है ना किसी से बात होती है, ऐसे अंधेरी कोठड़ी जैसा माहौल रहता है, उसमें डाल देते हैं। इतनी सारी परेशानियां जीते हुए साईं ने लोगों को इतना लोगों के लिए किया कि बात मत पूछो। आज जेल के अंदर बहुत सारे लोग साईं के लिए, साईं के जैसे जजमेंट आया होगा ना, तो बहुत सारे लोग रोए होंगे, बहुत सारे लोग ने दुआ भी की होगी कि साईं के जजमेंट में साईं को अच्छा जजमेंट मिले, साईं के फेवर में केस हो, और बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते थे कि साईं का कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो।
दोस्तों मैंने देखा हूँ कि जेल के अंदर बहुत से ऐसे क्रिमिनल है जिसने तीन तीन चार चार मर्डर किए है, जिसने बहुत सारी लूटे की है। आज वो बंदा साईं के साथ हरिओम का नाम जप रहा है, साईं के साथ सत्संग कर रहा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे है जो किसी का कहीं भी सुना नहीं है, सरकार का नहीं सुना है, ऐसे लोग आज साईं का सुन के बैठे चुपचाप। आज वहाँ सत्संग का माहौल भी चल रहा है जेल के अंदर। साईं के हिसाब से साईं के सत्संग ने बहुत से कैदियों को सुधारा है। जेल के अंदर मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग जो धर्म को नहीं मानते थे, जेल के अंदर कैदी होते हैं लेकिन कैदी कभी कोई गलत कैदी भी ऐसा हो जाता है जो कोई धर्म पे विश्वास नहीं रखता है, लेकिन आज वो लोग धर्म को मानने लगे हैं, योगा करते हैं अंदर, योगा साईं के जो विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन दुख की तो बात यह है कि जिसने सबका भला किया आज उसका भला कोई नहीं कर रहा है। हमने सुना काफी सारे ऐसे परिवार भी है, मतलब जो गरीब परिवार है और जो वहाँ कैदी रह रहे उनकी भी मतलब साईं मदद करते हैं। हाँ, मेरे सामने मैं ये 42 दिन रहा हूँ तो मैंने ऐसे बहुत से केस देखे है कि यहाँ आदिवासी गांव का यहाँ वैर के साइड एक भाई था जिसने जिसपे एक मर्डर का आरोप था, जिसने अपनी औरत को जला के मार डाला से मर्डर का आरोप था। दोस्तों हम लोग वो मर्डर के टाइम तो नहीं थे लेकिन उसको कोर्ट ने सजा जाहिर किया था, वो आजीवन में थे। उनकी एक 2 साल की बच्ची थी, वो बच्ची ना उसके मामा मौसा रखते थे ना उसके काका कुटुम्ब, कोई भाई कोई नहीं था, कोई नहीं रखता था, तो पड़ोसी के वहां छोड़ के आए थे। तो उस बच्ची का पूरा जिम्मेदारी पूरा खर्चा साईं ने अपने अपने पे लिया और उनके जो बाप था जेल के अंदर पूरा खर्चा साईं दे रहे थे। ऐसे मैंने कहीं लोग ऐसे देखे, बहुत सारे लोग जिसका कोई नहीं आता, जिसके पास सब कुछ होते हुए लेकिन जब उसके आगे पीछे भागने वाला या उसको कोई पैसा देने वाला या कोई बेल करवाने वाला ऐसा कोई नहीं मिलता है। तो साईं ने खुद वकील रखा है, साईं ने बहुत लोग से बेल करवाया है, बहुत लोग को छुड़ाया भी है। और मैंने ये भी साईं से सीखा है कि नहीं कि जेल के अंदर साईं जेल के कोई कैदी ने भगवान से प्रार्थना की होगी कि जेल के अंदर कोई अच्छा ऐसा इंसान आए तो हम सबको जेल के अंदर भी हमें एक घर जैसा महसूस हो। तो भगवान ने साईं की सुनी होगी या किसी का भला करने के लिए साईं को भगवान ने जेल में भेजा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। रामा भाई, हिंदूवादी संगठनों का और काफी इनके भक्तों का भी ऐसा कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर इन लोगों ने जो धर्मांतरण रोकने के काम की इस वजह से इनको सजा मिल रही है, उसके बारे में क्या कहो? हाँ, ये बात तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि साईं ने जो आदिवासी गांव के अंदर जैसे ये ख्रिस्ती धर्म वाले जो है पैसा देके धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो ऐसा बहुत सा किस्सा बना है। तो वहाँ साईं की संस्था जाती है, बस किसी भी इष्ट देव किसी भी भगवान का अपना भगवान का हिंदू धर्म का मंदिर बनवाओ, पूरा खर्चा साईं की संस्था देती थी। साईं ने हर इंसान को हिंदू धर्म की ओर खींचा है, जो ख्रिस्ती धर्म में चले गए थे उसको भी वापिस लाए है। और ऐसे सब कार्य करने से किसी ना किसी को आंख में कुछ ना कुछ चूक आती होगी, तो इसके वजह से साईं को इसमें फंसाया गया हो ऐसा हमें लगता है, या कहीं ना कहीं कोई राजकारण में साईं को फंसाया गया हो ऐसा लगता है। रामा भाई, आप पहली बार साईं से मिले थे, तब पहली मुलाकात कैसी हुई थी और साईं की दिनचर्या क्या रहती थी? मैं तो पहले जैसे मेरा जेल में जाना हुआ, पहले तो कोई साईं से आप मिले नहीं होंगे? मैं कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे और मैंने टीवी न्यूज में देखा था और मैं साईं के बारे में या बुरा भला बुरा सुना था, तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि साईं के साथ मैं साईं मिले तो मैं ऐसा करूँ, दो थप्पड़ लगा दूँ, ऐसा लगा दूँ। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मेरे गलती से ऐसा मन में ख्याल आ गया, भगवान को प्रार्थना करूँ ऐसा ख्याल कभी किसी को भी ना आए। क्योंकि जब मैं जेल के अंदर एंटर हुआ ना, जैसे साईं का माहौल देखा हूँ, साईं को देखा हूँ, मुझे अंदर से कुछ ऐसा हो रहा था कि नहीं कहीं ना कहीं इस आदमी को फंसाया गया है। तो मेरी जैसे सोच थी मैं साईं के नज़दीक जाऊँ, लेकिन साईं के नज़दीक जाने के लिए मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ वहाँ पहुँचने के लिए किस तरह जाऊँ उसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार जेल में गया था और एक दिन सुबह साईं बांसुरी बजा रहे थे तो सुना, सुबह माहौल इतना मस्त हो गया कि कहीं यहाँ कोई इष्ट देव कोई भगवान का वास हो गया हो ऐसा हमें लगा। तो हम साईं को मिले, साईं से बातचीत थोड़ा किया, साईं से जैसे जैसे मेरी बातचीत बढ़ती गई ना, ऐसे ऐसे मुझे साईं के अंदर और जानने की महसूस हुआ कि मैं कुछ और जानूं, ये आदमी कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ अपने आप कुछ बोलना चाहता है और मैं उसकी कुछ बातें जानना चाहता हूँ। तो मैं साईं से बहुत सारी बात जानी, मैंने बहुत अच्छा दिन निकाला उसके साथ और बहुत अच्छे त्यौहार भी उसके साथ निकाला। दिवाली जैसे त्यौहार में भी उसके साथ रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों, जब उसको देखता हूँ ना तो दिल रो जाता है अंदर से। आज जब मैंने सुना 26 अप्रैल को साईं को दोषी जाहिर किया, जाहिर हो रहा है ना, साला अंदर एक अफसोस, एक दुख व्यक्त हो रहा है कि नहीं, आज न्याय तंत्र जो भी हो, जिसने जो भी फैसला दिया हो, साईं के ऊपर जो भी गुनाह किया हो, साईं पे आज लोगों जो भी नजर से देखते हैं, लेकिन कसम से आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो। आज हमारे साईं के साथ जो हो रहा है ना, जिस इंसान ने सबका भला किया आज उसका बुरा हो रहा है, और हमेशा जो सच्चा है ना वही पीछे है, उसको ही सच को छुपाने के लिए बहुत वो हो रहा है, और जो झूठ है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसा आज मेरे दिल से मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपने देखा ये है रामा भाई 42 दिन नारायण साईं जी के साथ जेल के अंदर रहे, और जेल का सारा उन्होंने उल्लेख किया कि नारायण साईं जी जब बाहर थे तब भी वो समाज उत्थान के कार्य करते थे, और जेल के अंदर गए तो भी वो समाज उत्थान के ही कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, कामरेज से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाए, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।